दोस्तों, अगर पाकिस्तान को टीम को ये कहे कि ये बना ही है दूसरे देशों के लिए मनोरंजन के लिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप दूसरे के यहाँ जाकर के लड़ते हैं और हार जाते हैं तो ये बातें समझ में आती है, लेकिन अगर कोई आपके यहाँ आकर के और आपको ही रेल के चला जाए, फिर ये चीजें समझ से पड़े है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान को अपने ही घर में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश से गंवानी पड़ी। इस सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से सुपारा साफ किया, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और पूर्व क्रिकेटर काफी भड़क गए हैं। रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जबकि दूसरे टेस्ट मैचों में बांग्लादेश ने 6 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज अपने नाम की। इस तरह बांग्लादेश अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने में कामयाब रहा है। अब बांग्लादेश जैसी टीम से अपने घर में हार जाते हो, ये तो फिर सोचने वाली बात है। इससे बढ़िया तुम गली क्रिकेट खेल लेते, ताकि वहाँ हारोगे भी तो इज्जत बनी रहे। पाकिस्तान टीम की इस नाक कटाने वाली शर्मनाक हार से पूरे देश गुस्से में है और अपनी टीम के खिलाड़ियों को जमकर कोस रहे हैं। इनमें लंबे समय से पाकिस्तान टीम से बाहर चल रहे क्रिकेटर अहमद शहजाद भी शामिल है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पे अपनी टीम को जमकर क्लास लगाई है। अहमद शहजाद ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा है कि भाई, ना ही तुम्हें आता है और ना ही तुमसे होता है। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की ये जीत कई मायनों में बहुत खास है। दरअसल पहली पारी में 26 रन पर 6 विकेट गंवाने के बाद बांग्लादेश ने शानदार अंदाज में वापसी की, जिससे पाकिस्तान की पहली पारी की बढ़त मात्र 12 रन रह गई। इसके बाद तेज गेंदबाज हसन महमूद और नाहिद राणा ने गेंदों से जमकर कहर बरपाया और दोनों ने कुल 9 विकेट लेते हुए मेजबान टीम पाकिस्तान को 172 रनों पे ऑल आउट कर दिया। इस तरह बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 185 रनों का आसान सा लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने मैच के आखिरी दिन आसानी से हासिल कर लिया। राजनीतिक अशांति और बाढ़ के बीच बांग्लादेश की ये जीत देशवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। शहजाद ने कहा कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये वही कहानी है आ बैल मुझे मार। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि वो आए, आपके यहाँ अभ्यास किया और प्यार से आपको धो डाला और आप धुल गए। बांग्लादेश ने शानदार क्रिकेट खेला है, उन्होंने अपना दबदबा बनाया। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह की दृढ़ता की जरूरत होती है, उनके बल्लेबाजों ने उसे दिखाया और आपको सिखाया। उनके गेंदबाजों ने आपको सिखाया है कि अनुशासित गेंदबाजी क्या होती है। दोस्तों, बांग्लादेश ने भले ही पाकिस्तान को रेल दिया हो, लेकिन उसको रेलने के लिए अभी टीम इंडिया तैयार है। बस इंतजार है उसे भारत आने की। बाकी दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।